लखनऊ के प्रेस क्लब में मौलाना हसनैन बटाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के संगठन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, मौलाना हसनैन बटाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व से बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि PFI देश के आतंक फैला रहा है और देश के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, ऐसे में PFI को बैन करना ही एकमात्र रास्ता है। इसके साथ ही मौलाना हसनैन ने PFI बैन को लेकर सभी मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की और सबको आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से मिलकर वे इस विषय पर जल्द कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमामी हजरात का कि आप लोग एक नीम सी आवाज़ में हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है सूफी इस्लामिक बोर्ड के अंतर्गत, सबसे पहले जिस तरीके से आप तमामी हजरात ने देखा होगा कि PFI और SDPI ये दो ऐसे संगठन हैं जो हमेशा से संदिग्ध हालातों में पकड़े गए हैं और संदिग्ध चीज़ों में जो है पाए जा रहे हैं। और इनकी जांच जिस तरीके से चीज़ों में निकल कर आई हैं और तमाम कई जिसमें जो है जांच एजेंसियों ने इनकी जांच की, तो उसमें काफ़ी संदिग्ध चीज़ें पाई गई। जिस तरीके से आप तमामी हजरात के प्रकाश में आया है कि आतंक समर्पित जो संदिग्ध संस्था PFI के लोग जो राजनीतिक शाखा इसकी रखते हैं SDPI, उसमें तथाकथित जिहाद के नाम पर आवाम को भड़काना, जिहाद के नाम पर नौजवान नस्लों को भड़काना और इस्लामियात के हवाला देकर इस्लामी राज्य कायम करने की झूठी दलीलें पेश कर कर लोगों को वरगलाना, भड़काना, ये सब चीज़ें जो प्रकाश में आई हैं, इसके संबंध में ये प्रेस वार्ता है। और हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर PFI और SDPI को बैन करने की मांग करते हैं। पूरा सूफी इस्लामिक बोर्ड और पूरे हिंदुस्तान का सूफी समाज इसके बैन करने की मांग करता है, क्योंकि ये लोग अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं कि इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और इनके जो बयानात हैं, चाहे वो CA वाले मुद्दे पर इन लोगों ने जिस तरीके से आतंक फैलाया हो, या बंगाल में या केरल में या तमिलनाडु में जिस तरीके से इन लोगों ने आतंक फैलाया हुआ है, लोगों को मारना, लोगों को काटना सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद के नाम पर, इनके कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप लोग अगर किसी भी काफिर को, गैर मुस्लिम को अगर आप लोग मारते हैं तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। आपको इस किस्म का लालच देकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करने के बाद आवाम को भड़काकर, वरगलाकर ये लोग सड़कों पर उतार कर उनके साथ ब्रेन वॉश करके जिस तरीके से इन लोगों ने आवाम को भड़काया और भड़काने के बाद सड़क पर उतारा, सड़क पर उतारने के बाद आतंक पर समर्पित कर दिया, ये इनका काम है। जांचों में हर तरीके से निकला हुआ है कि इनकी संदिग्ध गतिविधियां ISIS के साथ और तुर्की की इंटेलिजेंस के साथ इन लोगों की पाई गई हैं। और हम सूफी इस्लामिक बोर्ड और मेरा पूरा सूफी समाज PFI को बैन करने की मांग करता है और सरकार से गुजारिश ये करता है कि जांच जल्द अज़ जल्द इनकी कंप्लीट की जाए, कंप्लीट होने के बाद इनको तत्काल बैन किया जाए और इनके जहाँ जहाँ जो जो भी शाखाएँ हैं वहाँ पर फौरन छापेमारी हो, और फौरन छापेमारी होने के बाद इनकी जो भी, इनके जिस तरीके से अभी रिसेंट सहारनपुर के नज़दीक जिस तरीके से इनका एक कैंप था, वहाँ पर इनके बहुत से ऐसे हथियार बरामद हुए, तमिलनाडु में, केरल में, ऐसी जगहों पर, लक्षद्वीप के, कन्याकुमारी के नज़दीक इनके कैंप्स में AK-47 तक बरामद हुई, AK-56 तक बरामद हुई। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है, हम खासकर सूफी मुसलमानों के लिए चिंताजनक हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अभी रिसेंट हमारे ऑल इंडिया सूफी सज्जादगान, सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं सूफी नसीरुद्दीन साहब, जो कि सज्जादा नशीन हैं अजमेर शरीफ के, उनके ऊपर इन लोगों ने एक लीगल नोटिस भेजा कि आप लोग हमारी आवाज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग मुसलमानों की आवाज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहूँगा अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि कौन सी ऐसी आवाज़ इनकी ऐसी है कि जो जिहाद के नाम पर या लोगों को भड़काने के नाम पर या लोगों को हूरों की लालच देने के नाम पर इन लोगों की निकलती है। तो लिहाजा जो भी ऐसी चीज़ें लोगों को वरगला कर इस तरीके से ये लोग पेश करते हैं,
तो ये सरासर बैन होनी चाहिए। खासकर हमें अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर इनके जो संदिग्ध संस्थाएं हैं उनको ये लोग संदिग्ध शाखाएं हैं उनको हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बैन करेंगे और तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा मेमोरेंडम 50 ज़िलों के उत्तर प्रदेश के मेमोरेंडम भिजवा दिए हैं, बल्कि आज कंप्लीट भी हो जाएंगे सारे ज़िलों के, पूरे उत्तर प्रदेश के। हमारे सारे जिलाध्यक्षों ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को इसका ज्ञापन और सबूतों के साथ ज्ञापन इनका भेज दिया है और हमारी मांग भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब और उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया से है कि हमने अभी उनको ज्ञापन देने का वक्त लिया हुआ है, जैसे ही हमें वक्त मिलेगा उनको उनके हाथ हम इसका ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद इनकी बैन करने की मांग करेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।